नमस्ते प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे मन की, अहंकार की, और कैसे हम मन और अहंकार का यूज करके कैसे हम जैसे साधारण लोग वो एक योगी बन सकें, कैसे वो हम अपनी स्पिरिचुअल यात्रा को, हम जो हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसको कैसे हम गति प्रदान कर सकें, कैसे उस मार्ग पर हम जा सकें। तो इस बात पर हम आज चर्चा करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे मन को और अहंकार को। चलिए पहले बात करते हैं हम मन की, और इस वीडियो में हम साधारण लोगों की बात करेंगे। आगे वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम योगी लोग क्या करते हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम मन के बारे में पता करते हैं, मन क्या है, ठीक है। तो मन है एक, जो हमारे विचार हैं उन सब का एक स्टोर हाउस है। तो उस स्टोर हाउस मान लो कोई ऐसी जगह है जहाँ पर सारे हमारे विचार हैं, सारे हर तरह के विचार, हमारे भविष्य के विचार, हमारे भूतकाल के विचार, हमारे वर्तमान के विचार, सारे विचार यहीं पर हैं हमारे, ये मन है, ठीक है। मन में हमारी सारी जो हमारी चंचलता है, सारा हमारा जो भी हमारा जो विचार आते हैं हमको, सब कुछ इसी में स्टोर है। ये एक स्टोर हाउस की तरह, एक जैसे आप मान लो एक हमारा बैंक है, बैंक में हमने खूब सारा पैसा जमा किया हुआ है, तो उस तरह से ये मन में हमारा सब कुछ जो हमारा इस लाइफ का, हमारे पिछले जन्मों का सारा जो जमा पूंजी हमारा इसके अंदर है, मन के अंदर है हमारा। और जो हमारे शास्त्र हैं, शास्त्र बोलते हैं कि मन एक बंदर की भांति है, बंदर ही नहीं जो बंदर एक पागल हो गया है, ऐसा हमारा मन है। और एक पागल बंदर ही नहीं, एक पागल बंदर जिसने शराब पी रखी है, जिसने दारू पी रखी है, ऐसा हमारा मन है। और एक दारू पिया हुआ पागल बंदर ही नहीं, उस बंदर को बिच्छू ने काटा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं एक बंदर जो कि हमेशा कभी स्थिर नहीं रहता, हमेशा चंचल रहता है, हमेशा वो एक्टिविटी में लगा रहता है, वो एक स्थान पर वो बैठ ही नहीं सकता। आपने हमेशा बंदर को देखा होगा, वो हमेशा उछलते रहता है, इधर गया, इधर से इधर, जंप 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 जंप, उसकी लाइफ ऐसी रहती है। और समझ लीजिए वही बंदर है, वो पागल है, उसने दारू पी हुई है और उसको बिच्छू ने काटा हुआ है, तो कैसी हालत होगी उस बंदर की, वही हालत हमारे इस मन की है। मन हमारा कंटिन्यूअस लगातार 24 घंटे कभी वो रुकता ही नहीं है, दिन में रात में हमेशा ही चलता रहता है, 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 और हमने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो ये हमारा मन है, ठीक है। अब समझेंगे कि अहंकार क्या है, ठीक है। अहंकार है हमारा ईगोनेस, जो हम बोलते हैं कि मैं, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरा घर, तो ये मैं, सारा सारा मेरा, मैं और मेरा, सारा ये अहंकार है। तो हमें अपना सच्चा वास्तविकता पता नहीं है कि हम रियल में क्या हैं, और जो कुछ हमने बाहर से ओढ़ रखा है वो हम अपने आप को बताते हैं। मान लो मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, मार्कर अभी काम नहीं कर रहा है, नया मार्कर लेना पड़ेगा, ठीक है। आप कौन हैं, आप इसका उत्तर क्या देंगे, आप मुझको अपना नाम बताएंगे, अपनी एज बताएंगे, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं वो बताएंगे, आप कहाँ रहते हैं वो बताएंगे, पर ये सब कुछ हमने बाहर से लिया गया चीज़ है। तो इसी को हम अहंकार बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अहंकार। एक पॉजिटिव भी होता है, एक सकारात्मक होता है, एक निगेटिव होता है, एक नकारात्मक अहंकार होता है। तो जो बता रहा हूँ मैं वो नकारात्मक अहंकार है, वो हम मैं, कि मैं हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, कि मैं ही हूँ, कि मैंने ये सब किया, मैंने मकान बनाया, मैंने पैसा कमाया, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, ये मेरे बच्चे हैं, तो मैं सब कुछ मैं के आसपास, इस अहंकार के आसपास घूमता रहता है, हमारे पूरी लाइफ इसी के अराउंड चलती रहती है। तो यह है अहंकार, इसे बोलते हैं ईगो। तो ये नेगेटिव एमो है, एक हमने सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट कर ली कि हम ऐसे हैं, पर हम जानते नहीं हम कौन हैं। तो इसको एक और एग्जांपल से आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो ये है हमारा सागर, ठीक है, सागर है ये, विशालकाय सागर, ठीक है। सागर के ऊपर लहरें हैं, बहुत सारी अलग अलग टाइप की लहरें हैं, आती जाती रहती हैं, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि हम ये लहर हैं, हमको सागर का पता ही नहीं है, हमने मान लिया कि हम लहर हैं जो
जो ऊपर नीचे जाती हुई लहर है, हमने अपने आप को वो मान लिया है, तो वो ही अहंकार है, वही हमारा मन है। तो मन से अहंकार पैदा हुआ, मन और अहंकार दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, दोनों के बीच बहुत गहरा प्रेम है। मन होगा तो अहंकार होगा, अहंकार होगा तो मन होगा, तो दोनों के बीच बहुत ही गहरा संबंध है। और जब ये संबंध टूटेगा तभी हमको वास्तविकता का पता चलेगा। तो हम हैं, हमारा जो ये, इसको बोल सकते हैं हम शिवा, इसको बोल सकते हैं परमात्मा, इसको बोल सकते हैं मदर नेचर, कुछ भी बोलें इस सागर को, तो हमने सागर को, सागर का पता ही नहीं है। हम समझते हैं कि हम लहर हैं, तो यही हमारी अवास्तविकता है, यही हमारा अज्ञान है, तो यही हमारा अहंकार है। हमने अपने आप को लहर समझ रखा है, पर हमारा अस्तित्व असीम है, हम असीम फैले हुए हैं इस सागर की तरह। तो अपने आप को जब हमने छोटा समझ लिया, हमने आपको लहर की भांति समझ लिया, तो हमारा जीवन सिकुड़ गया, तब हम अहंकार के उसमें आ गए, ठीक है, गिरफ्त में आ गए। और जब मन और अहंकार का जब आपस में प्रेम होता है, तब हमारी चार चीज़ें उत्पन्न होती हैं। इस चीज़ को समझ लीजिए, ये हम जैसे साधारण लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्या क्या चार चीज़ें हैं जब मन और अहंकार आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो हमको होता है पहले अटैचमेंट, हमको मोह होता है, पहली चीज़ है मोह। हमको मोह हो सकता है अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपनी गाड़ी से, अपने बंगले से, किसी भी चीज़ से हमको मोह हो सकता है। तो पहला है हमारा मोह। दूसरा है हमारा, हम दूसरों से हमेशा अटेंशन चाहते हैं, उनसे हम चाहते हैं कि दूसरे हमको ध्यान देते रहें। हम अपने आप को अच्छे से तैयार करते हैं, हमको मेकअप करते हैं, हम बाल बनाते हैं, लंबे बाल करते हैं, टैटू लगाते हैं, जो कुछ हम करते हैं कि ताकि दूसरे हमारी तरफ ध्यान दे सकें। दूसरा चीज़ है ध्यान। तो ये निगेटिव ध्यान है, ये पॉजिटिव ध्यान नहीं है, वो मेडिटेशन वाला ध्यान नहीं है। हम ये सोचते हैं, चाहते हैं कि दूसरे हमारी तरफ ध्यान देते रहें। तो पहला हो गया मोह, दूसरा हो गया ध्यान, दूसरे हम तक ध्यान दे सकें। तीसरा है राग, राग को बोलते हैं अटैचमेंट। ठीक है, तो राग हो गया कि हमको दूसरों से राग हो जाता है, हम उससे छोड़ नहीं पाते चीज़ों को, हम वही अटैचमेंट वाला मोह और राग एक तरह से रिलेटेड हैं आपस में। तो राग मतलब हम दूसरों से, दूसरों के प्रति हम, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, दूसरों से एकदम हम अगर हमारी पत्नी, मान लो हमारे बच्चे हमको छोड़कर चले जाएँ, तो हम बहुत दुखी हो गए, हमको लगेगा कि हमारा पूरा जो संसार है वो बिखर गया। तो ये है, ये तीन चीज़ें हैं वो मन और अहंकार के कारण है हमारी। और चौथी चीज़ है हमारी, हमारी जो विक्षिप्तता है, हमारी जो अशांति है, उसका कारण भी ये मन और अहंकार है। ठीक है, तो ये चार चीज़ें जो हैं वो साधारण लोगों के लिए हैं। और आगे वाली वीडियो में बताऊंगा कैसे योगी इन सारी चीज़ों से पार चले जाता है, क्या वो किस माध्यम से क्या चीज़ करता है ऐसा कि वो चारों चीज़ों से पार चले जाता है। अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, एक बहुत ही सिंपल स्टोरी, वो हम सबकी स्टोरी है, कैसे हम उस स्टोरी को रिलेट कर सकें अपने जीवन में। तो इसको समझेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। मान लो एक सीता है, सीता जो भी नाम है उसका, एक लड़की है सीता नाम की, वो एक जॉब में गई। पहली जॉब के लिए उसने अप्लाई किया, उस जॉब के लिए उसने 20,000 सैलरी मांगी। ठीक है, वो जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, वो पास हो गई, उसको जॉब के लिए हाँ बोल दिया। उसका मन नहीं, उसको लगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं दूसरी जॉब में जाती हूँ, मैं दूसरी जगह अप्लाई करती हूँ, क्या पता वो अच्छी हो। तो उसने सेकेंड जॉब के लिए अप्लाई किया। ठीक है, सेकेंड जॉब के लिए वहाँ भी उसने 20,000 मांगे और वहाँ भी उसका इंटरव्यू हो गया और क्लियर कर लिया उसने इंटरव्यू। फिर वो फर्स्ट वाले के पास गई और उसने बोला कि मुझे हफ्ते में केवल 5 दिन काम करना है, 5 दिन काम करना है। तो उन्होंने कहा, जो ऑफिस वाले थे उन्होंने कहा ठीक है करो आप, वो एग्री हो गए उस चीज़ के लिए। फिर वो, उसका मन तब भी नहीं माना, वो फिर चंचल, मन तो चंचल होता ही है बंदर की धमाती। तो फिर दूसरे के पास गई, वो दूसरे जॉब के पास, उससे बोला कि मुझे भी 5 दिन छुट्टी चाहिए। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, 5 दिन छुट्टी ले लेना, आप काम करना। तो उस वहाँ भी वो, मतलब उन्होंने हाँ बोल दी, उसका मन फिर नहीं माना। फिर वो पहले वाले के पास गई, पहले वाले से बोली कि मुझे साल में एक बार के लिए थाईलैंड जाना है। उन्होंने बोला थाईलैंड जाना है, उसने, लड़की ने बोला, सीता ने, कि थाईलैंड
थाईलैंड जाना है। तो उन्होंने बोला ठीक है थाईलैंड जाना आप, तो उसके लिए वो एग्री हो गए। फिर उसका मन फिर नहीं माना, फिर दूसरे वाले के पास गई, दूसरे वाले से बोले कि मुझे एक साल में एक बार के लिए इंग्लैंड भेजना पड़ेगा आपको। तो बोले ठीक है इंग्लैंड जाना है आपको, ठीक है इंग्लैंड चले जाना आप। तो इसके लिए अब एग्री हो गए। अब वो बड़ी कन्फ्यूज़न में कि मैं ये वाली जॉब करूँ, ये वाली जॉब करूँ, ये इसमें जाऊँ या इसमें जाऊँ, कौन सी करूँ। तो वो परेशान, पहले तो उसको जॉब मिल नहीं रही थी, अब मिली तो दो दो मिल गई उसको। अब वो पूरी तरह से परेशान कि कौन सी अच्छी है, कौन सी ख़राब है, कि किस में मैं जाऊँ किस में ना जाऊँ। तो यही स्थिति हमारे जीवन की है, यही स्थिति है हमारे मन की। हमारा मन हमें किसी चीज़ पर फोकस ही नहीं करने देता है। मन हमेशा हमको भटकाता रहता है, हम डिसीजन नहीं ले पाते, हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। हम हमेशा चीज़ों को ये करूं कि ये ना करूं, ये अच्छी चीज़ है ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो हम समझ ही नहीं पाते कि कौन सी हम। जैसे इस लड़की सीता की बताई मैंने स्टोरी कि वो चुनाव नहीं कर पा रही कि उसके लिए क्या सही है या क्या गलत है, तो ऐसे ही वो बात सीता की नहीं है, वो बात हम सभी की है, वो बात आपकी है मेरी है, सबकी बात वही है कि हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें लाइफ में क्या करना है, कि ये वाला रास्ता सही है ये वाला रास्ता सही है। जब हमारे सामने दो दो रास्ते खुले होते हैं तो हम समझ ही नहीं पाते कि हमको क्या करना है। तो मन और अहंकार दो चीज़ों के बारे में मैंने बताया, और कैसे हम साधारण लोग हैं इसके बारे में बताया। आगे वाली जो स्टोरी, आगे वाली जो वीडियो होगी उसके बारे उसमें मैं आपको योगी के बारे में बताऊँगा, जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो एक मास्टर है, जो एनलाइटन हो चुका है, वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे वो इन दोनों सिचुएशन से बाहर आएंगे। जब उनके पास भी ऐसी ही दो सिचुएशन आएंगी तो कैसे वो बाहर आएंगे, कैसे वो मन और अहंकार को अपने काबू में ले सकेंगे, कैसे वो उसको कंट्रोल कर सकेंगे। तो ये बात थी हम जैसे साधारण लोगों की, और आगे वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे हम उसके पार जा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, मन और अहंकार के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसको समझिए तो आगे वाली वीडियो को आपको ज़्यादा समझ में आएगी और उसको आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद मुझको सुनने के लिए। थोड़ा सा मार कर काम नहीं कर रहा था, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, तो आपका मंगल हो, आप में जाके शांति, आप में जाके आनंद, और आप में जाके प्रेम। धन्यवाद मुझको सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।